भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आज T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत के लिए मैच करो या मरो मुकाबला रहेगा। अगर इस मैच में टीम इंडिया को हार मिली तो फिर T20 सीरीज हाथ से निकल जाएगी। चोट के चलते केएल राहुल के बाहर होने के कारण ऋषभ पंत इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं। दोनों ही मैचेस में ऋषभ पंत की तरफ से कुछ खराब फैसले दिखाई दिए और ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर के भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक बयान दिया है। वसीम जाफर ने कहा कि जितने ज्यादा ऋषभ पंत आगे मुकाबले खेलेंगे उतने ही बेहतर बतौर वो कप्तान होते चले जाएंगे, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत की कप्तानी कुछ ऐसी है कि अगर मैच टाइट होता है तो वहां पर फिर ऋषभ पंत थोड़े से पैनिक मोड में आ जाते हैं। अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में ऋषभ पंत की तरफ से कप्तानी में कुछ कमियां दिखाई दी। पहले मुकाबले की बात करें तो स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पूरे 4 ओवर ना करवाना एक खराब फैसला था और खामियाजा उसका ऐसा भुगतना पड़ा कि 200 रन से ज्यादा स्कोर बनाने के बाद भी भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के सामने हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले की बात करें तो बल्लेबाजी टीम की कोलैप्स हुई। ऐसे में अक्षर पटेल से ऊपर बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजने का ऋषभ पंत का ये फैसला दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को भी समझ नहीं आया। टीम इंडिया सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही है और यहाँ पर एक भी गलती टीम इंडिया के लिए सीरीज गंवाने वाली बात हो सकती है। अब देखना यही होगा कि ऋषभ पंत की कप्तानी में क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को फाइट देकर सीरीज में वापसी कर सकती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया यहां से भी सीरीज जीत सकती है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।